Okay, we are going to see the next 10 questions of chapter 31, questions from 41 to 50. तो 41 पहले देखेंगे. ओके, इसमें क्या दिया है? अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन, इसके बाहर, रेडियस आर के बाहर. तो इसमें क्या करते, पहले हम इसका कैपेसिटेंस लिख लेते हैं. ये सपोज इसने एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया, 4πε0R होता उसका, एंड पोटेंशियल के क्यू बाई आर. तो एनर्जी के फार्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, सी इज 4πε0R, वी की वैल्यू ये पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0R आ गई इसकी वैल्यू. ऑल राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज टू द पोटेंशियल वी, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2R. एक आर रेडियस का है और दूसरा 2R रेडियस का जो है उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, एंड शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ 2R इक्वल्स टू दैट स्टोर्ड विद इन इट. देखो, तो सरफेस से यहाँ से देखो, ये आर का है, ये 2R का है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी. ठीक है, तो पहले तुम सरफेस पे निकालते, सरफेस से इनफाइनाइट तक एनर्जी कितनी है. तो यू देखो, आप सी वी स्क्वायर होते, सी की वैल्यू और वी इज़ गिवन, इतनी एनर्जी है सरफेस से इनफाइनाइट तक फैली हुई, वेयर वी विल बी के क्यू बाई आर. अभी हमें आर से टू आर इसकी आधी मिल जाएगी, तो हम बोलेंगे बाकी उसकी उसके बाहर है. तो आर से टू आर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो ये होता है, एनर्जी डेंसिटी मतलब 1 m³ में कितनी एनर्जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो ई की वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना, तो इसमें ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ई की वैल्यू बाद में, लेकिन ये यूनिट वॉल्यूम के लिए है. बट हमें ये आर ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है, तो इस ये वेरिएबल कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज हो रही है. तो एलिमेंट्री शेल पे हमने एनर्जी निकाल लेंगे पहले. तो यू जो है 1 यूनिट के लिए, एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम कितना होगा, सरकम इसका सरफेस एरिया 2πR अंदर का, और ये उसकी थिकनेस डी आर, तो ये वॉल्यूम हो गया शेल का वॉल्यूम ये, और ये यूनिट के लिए. तो यूनिट की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसमें वेरिएबल कंडीशन है इसलिए, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने यू की यहाँ से, और इंटीग्रेट कर देंगे आर से लेकर 2R तक. ई की वैल्यू पुट करने के बाद कॉन्स्टेंट सब बाहर निकाल लिए, ये यहाँ पे r⁻²− बचा डी आर, लिमिट r → 2R. जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने लिमिट भी लगा दी, 1/2R आ रहा है इसका, यहाँ पे पुट कर दिया. बस अभी इसको टर्म्स अरेंज किए, ये तुम्हारा ये वाले स्क्वायर वाले टर्म जो है वी स्क्वायर के बराबर है, और ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, ये πε0RV² ये ऊपर वाले टोटल का आधा है. देखो ये टोटल है इन्फाइनाइट तक, 2R तक इतनी है, आर से लेकर आधा है, तो वो अपना प्रूव हो गया. तो सेकंड पार्ट भी, विच इज़ हाफ ऑफ द एनर्जी ऑन द सरफेस टू इन्फिनिटी, रिमेनिंग हाफ विल बी आफ्टर 2R. आधी यहाँ तक है, तो बाकी आधी 2R से इन्फाइनाइट तक होगी. ठीक है, इसको देख लो. ओके, लाइक दिस आई एम होल्डिंग. विल डू द सेकेंड मेथड ऑल्सो, ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं, विदाउट इंटीग्रेशन ऑल्सो वी कैन डू इट. तो ये तुम्हारा आर है अंदर का, बाहर का 2R है. तो एनर्जी फ्राम r → 2R निकालनी है, तो कैपेसिटर निकाल लिया इसका, आर स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला लगा दिया, r₁ है, r₂ 2R है, सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया वैल्यू पुट करके. पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पर वी दिया है तो डबल डिस्टेंस पर v/2 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस v/2, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो v/2 आ जाएगा. तो ये डेल्टा वी एंड सी मिल गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, u₁ जो है πε0RV²
टू आर तक इतना आ गया और उसके बाहर भी इतने ही आना चाहिए इक्वल बोला, तो लेट अस सी एनर्जी फ्रॉम टू आर टू इन्फिनिटी, कैपेसिटेंस अभी आइसोलेटेड स्फीयर का टू आर रेडियस का स्फीयर का इतना कैपेसिटेंस, पोटेंशियल उसकी सरफेस पे वी बाई टू है, इन्फाइनाइट पे जीरो है, बाकी इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इसका भी स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है उसका सेकेंड कंडक्टर इन्फिनिटी पर होता है, आर टू इज़ इन्फाइनाइट, तो यही आता है। फिर चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, वी बाई टू है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, दोबारा से यू टू मिल जाएगा हमें इतना, टू आर से लेकर इन्फाइनाइट तक इतनी एनर्जी है, तो दोनों इक्वल हैं, मतलब आधी जो है आर से टू आर तक है, बाकी आधी इन्फाइनाइट तक है, मतलब बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही, टू आर पे तो आधी हो गई, बाकी जो है आधी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही सॉरी, बाकी जो आधी है इन्फाइनाइट पे जाके ज़ीरो हो रही। ऑलराइट, तो इसका देख लो सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज कंडक्टिंग प्लेन है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना सिग्मा दिया है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ ए दिस मच इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, तो यूनिफॉर्म होती है तो इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, ये वन मीटर स्क्वायर की तो मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब उतनी, तो ये एनर्जी डेंसिटी है, वैल्यू पुट कर दी, कंडक्टिंग प्लेट की जो फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, एल क्यूब, सारी वैल्यूज दी हैं, पुट इट एंड इट विल बी इन जूल्स। यूनिफॉर्म प्लेट के लिए ईजी है निकालना, नॉन यूनिफॉर्म में इंटीग्रेशन करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44th, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द प्लेट एरिया इतना, सेपरेशन वन कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12, द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन टू टू टाइम्स 2 मिलीमीटर, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब हमने एरिया जब उसका चेंज किया गैप तो कैपेसिटेंस चेंज हो गया, तो चार्ज विल बी चेंजिंग बिकॉज कैपेसिटेंस चेंज होने से चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी चेंज हो जाती है। ऑल राइट, तो इसको पहले एक एक पार्ट करके चलते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके, तो लेट्स सी। ओके, तो पहला पार्ट क्यू वन निकाल लिया डिपेंडिंग अपॉन सी वन, जब उसकी गैप 1 mm है तो ये आ जाएगा सॉल्व करने से, क्यू टू आधा हो जाएगा, कैपेसिटेंस आधा हो गया तो चार्ज भी आधा हो गया, जितना ये आया उसका आधा कर दिया, तो चार्ज फ्लोइंग डेल्टा क्यू डिफरेंस ऑफ बोथ, इतना चार्ज वापस चला जाएगा बैटरी में क्योंकि सेकेंड टाइम में कम हो रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस कम हो गया, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, वापस चला गया, तो इसमें बी पार्ट है, हाउ मच एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, एनर्जी अब्जॉर्ब विल बी चार्ज अब्जॉर्ब इनटू पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल, चार्ज इतना गया, पोटेंशियल 12 है तो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, 12.7 × 10⁻¹⁰ J। सी पार्ट देखेंगे, कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, एनर्जी सी वन सी टू से निकाल सकते हैं, सी वन वी स्क्वायर एंड फाइनल एनर्जी सी टू, फाइनल जो है तुम्हारा सी टू आधा हो गया है ना, तो इस एनर्जी भी आधी हो जाएगी, पोटेंशियल तो वही है, पहले इतनी बाद में इतनी, देखो अभी ध्यान से, पहले इतनी थी और उतनी ही पूरी चली गई अंदर, बैटरी को चली गई, तो ये कहाँ से आई, वर्क डन किया हमने, उसकी गैप को चेंज किया था तो ये वहाँ से आई, तो वर्क डन या तो इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा, चेक करते वर्क डन कितना होगा, फाइनल एनर्जी इतनी बची है, इनिशियल वाली पूरी बैटरी में चली गई, तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, W = FdX, फोर्स जो है QE होता है, चार्ज ऑन द वन प्लेट फील्ड ऑफ द अदर प्लेट, चार्ज C × V, फील्ड आधी होती टोटल की आधी होती है ना, एक की बाई टू दूसरे की बाई टू, तो इसलिए ई बाई टू रखा, फील्ड इज ऑफ वन प्लेट ओनली, सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी की जगह एक्स लिखना है, वेरिएबल कंडीशन वी एज इट इज, और इलेक्ट्रिक फील्ड से है यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल ग्रेडियंट वी बाई एक्स होता है, तो यहाँ पुट कर दिया, बस अभी कांस्टेंट बाहर निकाल के इंटीग्रेशन कर दिया, नीचे एक्स 2 बार है
इंटीग्रेशन किया, ये आया लिमिट्स लगा दी, ये आई लिमिट की वैल्यू पुट कर दी, इतना अच्छा इतना ही जितनी एनर्जी फाइनल बची है उतना ही एनर्जी हमें, उतना ही वर्क किया हमने, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। इसका मतलब कोई भी लॉस फील्ड हीट में नहीं हो रहा है, एनर्जी इज़ कंजर्व देयर फॉर नो हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो बी सी डी पार्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किए उससे फाइनल एनर्जी इतनी ही थी, इतना ही वर्क हुआ हमारा, और जितनी इनिशियल थी वो पूरी बैटरी ने अब्सॉर्ब कर ली थी। ऑल राइट, तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ 45th क्वेश्चन देखेंगे हम। कैपेसिटर हैविंग द कंडक्ट कैपेसिटेंस इतना इज चार्ज बाय द 24 वोल्ट, चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनदर बैटरी ऑफ 12 विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ज्वाइंट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पहले 24 पर कनेक्ट किया, फिर 12 पर कनेक्ट किया। फाइंड द चार्जेज ऑन कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर। क्यू इज इक्वल टू सी वन वी, आई मीन सी वी वन एंड सी वी टू। सी तो सेम है, वी वन एंड वी टू चेंज हो रहे हैं, तो इससे क्यू वन क्यू टू मिल गया। पोटेंशियल आधा हो गया तो चार्ज भी आधा हो गया। सेकेंड में क्या डिफरेंस पूछा है, ओके फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी। तो डिफरेंस आप बोथ है ना, तो जो डिफरेंस है उतना फ्लो हो रहा है, जितना फाइनल आ गया इनिशियल के साथ जो है Q1 माइनस Q2 है ना, पहले इतना था अभी इतना रह गया है ना, तो बाकी जो है बैटरी में फ्लो हुआ, एक्चुअली डिफरेंस बैटरी में फ्लो हुआ, फ्लोन इन द बैटरी इनफैक्ट है ना। सी इज द वर्क डन बाय द बैटरी और ऑन द बैटरी, तो ऑन द बैटरी है, बैटरी की तरफ गया, बैटरी पे वर्क हुआ, ऑन द बैटरी कितना वर्क हुआ, जितना चार्ज का डिफरेंस आया और कितना पोटेंशियल है, चार्ज का डिफरेंस इतना आया, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, मिली जूल में इतना लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 14.4 मिली जूल। डी पार्ट देखते हैं, फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। डिक्रीज तो निकाल लो इनिशियल एंड फाइनल इन हाफ सी वी स्क्वायर से, इनिशियल हाफ सी वन हाफ सी वी वन स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल इतना है, पहले 24 था बाद में 22, तो डिफरेंस इतना आ गया, इतनी डिक्रीज हो, इतना चेंज हो गया है ना, तो बैटरी पे वर्क डन कितना हुआ 14.4 और डिक्रीज इतना हुआ, तो कहाँ गई बाकी हीट में कन्वर्ट हो गई जो डिफरेंस है ना, जितनी कम हुई और जितनी बैटरी में जमा हो गई उतनी से माइनस कर दिया, बाकी कहाँ चली गई हीट में। ऑल राइट, तो यू कैन सी दिस सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द स्विच एस इज ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच एस इज ओपन। जब खुला है तो ये दोनों सीरीज में है, सी बाई टू और ई द बैटरी, इतना चार्ज है, जब बंद हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये और ये सेम पोटेंशियल पे आ गया, देखो तो इस पे चार्ज स्टोर ही नहीं होगा, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, ये ही इफेक्टिव बचेगा, C2 विल बी Q2 विल बी C इंटू ई, राइट हैंड साइड कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड। बी पार्ट देखेंगे इसका, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, तो डिफरेंस ऑफ चार्ज निकाल लो पहले, कितना एक्स्ट्रा चार्ज भेजा उतने इतना, उसको ई से ईएमएफ ऑफ बैटरी से मल्टीप्लाई कर दो, इतना वर्क डन करना पड़ेगा उसको, हाफ सी ई स्क्वायर। ठीक है, जितना चार्ज भेजा अकॉर्डिंग वर्क डन, फाइंड द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द
कैपेसिटर, तो इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो, है ना। तो फाइनल एनर्जी इतनी हाफ सी वी, सी स्क्वायर इनिशियल इतनी थी दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में, तो एनर्जी कम थी इतनी, ठीक है। तो इतनी चेंज हुई, इतनी बढ़ी, बट बैटरी ने कितना वर्क किया, इतना। तो बाकी कहाँ गई, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, बट डन बाई बैटरी माइनस एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड, ये आ गई। तो बाकी डिफरेंस जो कहाँ चला गया, हीट में चला गया। तो जब बैटरी चार्ज भेजती है, चार्ज फ्लो होती है बैटरी वगैरह में, तो हीट लॉस होता है इलेक्ट्रोलाइट लाइट वगैरह में। और जब एक्सटर्नल वर्क किया, पिछले वाले क्वेश्चन में हीट लॉस नहीं होता, हमने ही उसके प्लेट्स को शिफ्ट किया था, है ना। तो उस समय जो हमारा वर्क था उसकी वजह से चार्ज गए थे अंदर उसमें बैटरी में, ठीक है। 47th, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना इज चार्ज टू द 24 एंड अनदर कैपेसिटेंस ऑफ दिस मच इज चार्ज टू बाई 12 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर इज एंड हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। से इतनी इतनी एनर्जी आई, इनिशियल एनर्जी हो गई है, टोटल हमें काम आएगी लास्ट में, इतनी एनर्जी हमें इनिशियल एनर्जी है, वील नीड इट, दोनों का सम। द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट्स ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर एंड वाइस वर्सा, फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम निकालेंगे इनिशियल टोटल चार्ज एंड फाइनल, दोनों इक्वल लेंगे। तो फाइनल में हमने क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इनिशियल में देखो, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एडिटिविटी प्रॉपर्टी से ऐड होंगे, प्लस माइनस होकर जो बचे उतने होंगे। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी Q1 माइनस Q2, और इसमें देखो कॉमन पोटेंशियल, हम कनेक्ट कर देते दोनों कैपेसिटर को, तो ये कॉमन पोटेंशियल आता है इनके बीच में, चार्जेस फ्लो होंगे, एक कॉमन पोटेंशियल सेट हो जाएगा, उसके बाद चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाते हैं। तो सेकेंड केस में कॉमन पोटेंशियल VC है, C1 VC प्लस C2 VC कॉमन पोटेंशियल, इनिशियली C1 V1 एंड C2 V2, बीच में माइनस भी है। तो इसमें वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करते हैं, VC जो कॉमन पोटेंशियल 48/11 डिक्रीज हो जाएगा, पहले से लॉस होगा कुछ एनर्जी, तो इतना सेट हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, है ना। इसको सॉल्व करके देखो, कैपेसिटेंस दिए हैं, V1 V2 दिया था, कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। अभी न्यू चार्जेस निकाल सकते, कॉमन पोटेंशियल मिल गया, न्यू चार्जेस विल बी C1 VC फर्स्ट कैपेसिटर पे, दूसरे पे C2 VC, तो नए चार्जेस निकाल लिए। तो लॉस निकालना अभी, तो लॉस का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, नहीं तो क्या करो, पहले हम बिना फार्मूला के देखते हैं। लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ये दोनों एनर्जी U1 V1 मैंने बताया काम आएंगी, ये ऐड कर ली, फाइनल इतनी बची है, फाइनल एनर्जी हमें निकाली यहाँ से कॉमन पोटेंशियल से, हाफ C1 प्लस C2 दोनों पैरेलल में आ गए थे, VC वाज द कॉमन पोटेंशियल, उससे एनर्जी इतनी निकली, तो इतनी लॉस हो गई। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है लॉस का, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 स्क्वायर। अपोजिट पोलरिटी से यहाँ पे प्लस आ जाता है और सेम पोलरिटी से यहाँ पे माइनस आता है, माइनस वाला तो है बुक्स में, बट ये सेम पोलरिटी कनेक्ट करने से ऐसा आता है, इससे भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी द डेरिवेशन, यू कैन सी द दिस वन सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 48th पर। 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 12 वोल्ट, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी एंड वाइस वर्सा, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर्स। तो इसमें क्या किया, ये कैपेसिटर है 12 वोल्ट है, इस पे द पॉजिटिव प्लेट इज ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट, बैटरी उतने वोल्ट की है बट टर्मिनल उसके अपोजिट कर दिए, ठीक है। तो पहले एनर्जी निकाल ली उतनी, बाद में भी सेम वोल्टेज है फिर से उतनी एनर्जी, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी तो उतनी है, लेकिन चार्जेस तो फ्लो होंगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाएंगे, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। तो चार्जेस मूव कितने होंगे, देखो यहाँ पर पहले लेफ्ट वाली प्लेट पर पॉजिटिव था, इस पर नेगेटिव है, अभी लेफ्ट प्लेट पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो राइट प्लेट पर पहले कितना था, माइनस क्यू, अभी कितना है, क्यू है, कितना देना पड़ा, क्यू डैश, दोनों मिला के क्यू होना चाहिए फाइनल, तो
क्यू डैश इज़ टू क्यू, तो टू क्यू देना पड़ा उसको, है ना। माइनस क्यू से क्यू कराना है तो टू क्यू देंगे, तो माइनस क्यू प्लस टू क्यू तो क्यू आ जाएगा, तो टू क्यू देना पड़ेगा तब जाके क्यू आएगा। तो चार्जेस मूव इन द सर्किट इज क्यू डैश विच इज इक्वल टू टू क्यू विच इज इक्वल टू टू सी वी। तो क्यू डैश सी एंड वी की वैल्यू पुट करके निकालेंगे, इतने चार्जेस मूव हुए, तो वर्क डन में इतने चार्ज मूव करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा बैटरी को, क्यू डैश इंटू वी, चार्जेस मूव निकाल लिए, वी 12 है बैटरी का, चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा इतना। एनर्जी रिमेन सेम बट दिस वर्क डन गोज इंटू द हीट, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह में हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसका देख सकते हैं सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टू स्क्वायर फेसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर डायलैक्ट्रिक स्लैब डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 4 ऑफ डायमेंशन इतना एंड इतना, ये उसका एरिया देगा, इससे डी आ जाएगा, गैप बिटवीन द प्लेट्स आ जाएगा। आर मेटल कोटेड, यहाँ पे मेटल लगा दिया हमने, डायलैक्ट्रिक स्लैब है और हमने मेटल कोटिंग कर दी, इधर से एल्यूमिनियम फॉयल लगा दी। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द कोटेड सरफेस, तो ये डायलैक्ट फुल्ली फिल्ड डायलैक्ट्रिक कैपेसिटर बन गया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी ए, ये वाले जो बड़ी साइड होंगे ऐसे, ये बीच में डायलैक्ट्रिक बढ़ा हमने, तो गैप जो है ये 1 mm का, तो इसे निकाल लिया हमने, इतना आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इफ द अबव कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द 6 volt बैटरी द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी निकाल लिया हमने ऊपर से और वी दिया 6 volt की, मल्टीप्लाई कर दिया, इतने नैनो कूलम बैटरी सप्लाई करेगी। उसके बाद पूछा है द इंड्यूस चार्ज इज अंदर डायलैक्ट्रिक, इंड्यूस चार्ज का ये फार्मूला था क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू क्यू चार्ज अंदर कैपेसिटर 1 - 1/k, के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इंड्यूस चार्जेज इतना, तो द नेट चार्ज अपियरिंग ऑन द वन ऑफ द कोटेड सरफेस, दोनों का डिफरेंस, ये बैटरी ने भेजा, ये इंड्यूस चार्ज है, तो इतना बचेगा। देखो कैसे होता, क्या होता, ये मेटल प्लेट है, देखो यहाँ पे डायलैक्ट्रिक जो है ऐसे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलैक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल ऐसे माइनस प्लस इस तरह से पोलराइज हो जाते हैं। देखो ये डायलैक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, माइनस इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ऐसे ये भी माइनस प्लस, ऐसे ये भी माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऐसे पोलराइज हो जाते हैं। और लेफ्ट वाली पे, तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, लेफ्ट दूसरी वाली प्लेट पे अपोजिट, तो ये माइनस लेयर बच रही है इंड्यूस चार्जेस की, वो जो है क्यू इंड्यूस, वो जो है नेट चार्ज को कम करती, क्यू डैश जो हमने लिखा है इसमें, ये वाला, तो माइनस कर देगी वो, तो पोलराइज हो जाते हैं डायलैक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स और अपोजिट पोलराइज होते हैं, तो डिक्रीज करते हो, तो सी इज इक्वल क्यू बाई वी है, तो क्यू टेंस टू डिक्रीज, इसीलिए कैपेसिटेंस टेंस टू इंक्रीज फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 50, दिस मच टुडे, विल नेक्स्ट क्लास विल सी द फर्दर 10 क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।